एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अक्सर ही उतराव चढ़ाव देखने को मिलते हैं। आज का दिन मनोरंजन जगत के लिए काफ़ी मिक्स्ड रहा। ऐश्वर्या राय बच्चन ने टैक्स नहीं भरा, जिसका नोटिस उन्हें मिला है। रिपोर्ट है कि नासिक के सिन्नर के अदवाड़ी शिवरात में एक्ट्रेस की जमीन है। इस जमीन का एक साल से टैक्स बाकी है, जो 21,960 रुपये हैं। इसके अलावा रणबीर कपूर की एक्ट्रेस एवलिन शर्मा दूसरी बार मां बनने वाली हैं। एक्ट्रेस ने बेबी बम प्लांट करते हुए फोटो शेयर कर फैंस को यह खुशखबरी दी है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के करीब 2.5 साल बाद उनके पालतू डॉगी फज की मौत हो गई। सुशांत और डॉगी फज बेहद करीब थे, दोनों खूब मस्ती किया करते थे और इन वीडियोस को सोशल मीडिया पर शेयर किया करते थे। लेकिन सुशांत की मौत के बाद फज का बुरा हाल हो गया था। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जहां जया बच्चन एक शख्स को फोटो खींचने के लिए मना करती दिखाई दे रही हैं। मना करने के बाद भी ऐसा करने पर जया गुस्सा हो जाती हैं। दरअसल जया अमिताभ बच्चन के साथ इंदौर पहुंची थी, जहां एयरपोर्ट पर एक शख्स ने उनकी वीडियो बनाने की कोशिश की। एवलिन शर्मा दूसरी बार माँ बनने वाली हैं। एवलिन शर्मा ने ब्लैक स्पॉट्स ब्रा पहने हुए अपनी तस्वीर इंस्टाग्राम पर शेयर की। वो अपना बेबी बम प्लांट करती हुई नजर आ रही हैं। प्रेगनेंसी अनाउंसमेंट की तस्वीर में एवलिन के चेहरे की मिलियन डॉलर स्माइल उनके खुशी को जाहिर कर रही है। बॉलीवुड अभिनेता जैकी श्रॉफ एक बार फिर दर्शकों को लुभाने के लिए गैंगस्टर अवतार में फिल्म में लौट रहे हैं। इस फिल्म में जैकी श्रॉफ के साथ सनी लियोन भी नजर आएंगी। हाल ही में क्राइम ड्रामा फिल्म कोटेशन गैंग का ट्रेलर सामने आ चुका है। ट्रेलर में जैकी श्रॉफ खुनकार अवतार में दिखेंगे, जो फैंस को काफ़ी पसंद आ रहा है। सोशल मीडिया पर इस फिल्म का ट्रेलर लगातार वायरल हो रहा है। एक्ट्रेस और मॉडल उर्फी जावेद अक्सर सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी रहती हैं। उर्फी इन दिनों मीडिया सेंसेशन बनी हुई है। वह अपने अतरंगे फैशन सेंस के लिए जानी जाती हैं। उर्फी ज़्यादातर अजीबोगरीब कपड़े और ड्रेसिंग को लेकर ट्रोल होती रहती हैं, जिसके कारण अक्सर लोग उनके बारे में कुछ न कुछ कहते हुए दिखाई देते हैं। बीते दिनों उर्फी जावेद को बीजेपी नेता चित्रा वाघ ने उर्फी जावेद के मुंबई की सड़कों पर अंग प्रदर्शन को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद उर्फी ने भी पलटवार करते हुए बीजेपी नेता चित्रा वाघ के विरोध में महाराष्ट्र महिला आयोग में शिकायत दर्ज करा दी थी। अपनी फिल्म दृश्यम 2 से लोगों का मनोरंजन करने के बाद अजय देवगन अपकमिंग फिल्म भोला को लेकर हाजिर है। फिल्म का टीजर 22 नवंबर को जारी किया गया था। हाथ में श्रीमद् भगवद गीता और माथे पर भस्म लगाते दिखे अजय देवगन का यह लुक फैंस के लिए एक सरप्राइज एलिमेंट की तरह आया। अब हाल में ही फिल्म भोला से तब्बू का जोरदार फर्स्ट लुक रिलीज हो गया है। किसी जमाने में बॉलीवुड की नंबर वन हीरोइन का तमगा रखने वाली करिश्मा कपूर पिछले काफ़ी वर्षों से रुपहले पर्दे से दूर है। अभिनेत्री को आखिरी बार वेब सीरीज मेंटल हुड में काम करते हुए देखा गया था। मेंटल हुड से OTT पर कदम रखने वाली करिश्मा कपूर अब 3 साल बाद एक बार फिर OTT की दुनिया में वापस करने जा रही हैं। करिश्मा फिल्म निर्माता अभिनव देव की आगामी वेब सीरीज ब्राउन द फर्स्ट केस के साथ स्क्रीन पर वापसी करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। यह सीरीज सिटी ऑफ डेथ नाम की एक किताब पर आधारित है। इस क्राइम ड्रामा में करिश्मा कपूर एक जासूस की भूमिका में नजर आएंगी। जहां अभी वेब सीरीज की रिलीज डेट का खुलासा नहीं हुआ है, वहीं करिश्मा ने आज अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए इसका ऐलान किया है।